हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां लाए कान्हा जी, आप सब की मुराद पूरी करे गाइस। और ये मैं पहली बार अपने घर में लाई हूँ कान्हा जी। काफ़ी सालों से सोचा था अब लेके आऊँगी, तब लेके आऊँगी। आखिरकार मैं लेके आ गई कान्हा जी को। और ये कान्हा जी की ड्रेस है गाइस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैं थोड़ा ही ला पाई। कोई नहीं, थोड़ा है तो सही। तो चलिए इनको स्नान कराते हैं। बहुत छोटे से लाई थी, कोई बात नहीं, भगवान भाव देखते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए कान्हा जी को हमने बैठा दिया है छोटी सी प्लेट में। और थोड़े से मेरी बेटी ले आई थी फूल। तो चलिए इनको नहलाते हैं, लड्डू गोपाल जी को। ये फूल और दूध से मुझे इतना आइडिया नहीं था किस किस से नहलाया तो जाता मुझे है। पता नहीं था किस किस चीज़ से कान्हा जी को नहलाया जाता है। मैंने दूध पानी और ये कुछ फूल की पंखुड़ियाँ हैं, तो मैंने उसी से कान्हा जी को नहला दिया। मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। कान्हा जी को नहला दिया और इनको अच्छे से मैंने 2 मिनट के लिए इसके अंदर रखा और फिर इनको मैंने पोंछ दिया। किसी ने बताया था कि इनको रगड़ रगड़ के नहीं पोंछते, हल्के हाथों से पोंछते हैं, तो मैंने हल्के हाथों से पोंछ दिया इनको, कान्हा जी को, जितना भी इनके ऊपर लगा हुआ था। मैं पहली बार लेके आई हूँ गाइस, कोई बात नहीं, गलती अगर हो जाए तो इग्नोर करना। मैं पहनाऊँगी कान्हा जी को ड्रेस। शायद मैंने इनको उल्टी ड्रेस पहना दी थी, सीधी पहना दी थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई नहीं, चलो पहनाते हैं हम कान्हा जी को इनकी पोशाक, इनके कपड़े। मगर बहुत अच्छे लग रहे थे कान्हा जी। मैं छोटे से लाई हूँ और धीरे धीरे मैं इनका सारा सामान ले आऊँगी। इनके बाल, इन मैंने ना पता क्या करा था, कानों के कुंडल तो मैं लेके नहीं आ पाई, भूल गई थी। और दुकानें भी लगी हुई थी मगर मैं किसी वजह से नहीं लेके आ पाई। बहुत महंगा महंगा सामान मिल रहा था हमारे यहाँ पर। कोई नहीं, तो मैंने दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। मैंने इनके कुंडल, जो कान के कुंडल होते हैं, उसकी जगह पे मैंने अपनी बिंदियाँ लगा दी थी, मगर फिर भी अच्छे लग रहे थे। यहाँ कान्हा जी ने पहन ली है अपनी पोशाक। यहाँ मैं इनको पहनाऊंगी ये माला। आप यकीन नहीं मानोगे, ये माला, ये छोटी सी माला मुझे कितने रुपये की पड़ी। बहुत महंगी, बहुत महंगा मिलता है हमारे यहाँ। मिलता है, सब मिलता है, मगर बहुत महंगा मिलता है। और आप बताइएगा आपने जन्माष्टमी पे क्या किया, क्या बनाया? मैंने तो आलू की कचौड़ी, रायता, खीर, ये सब बनाया था। आप बताइए आपने क्या बनाया था। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। और ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने और मेरी बेटी ने नोटिस किया था। मैं जब इनकी ये क्लिप बना रही थी, मैं जहाँ कैमरा घुमा रही थी ना, वहीं इनकी नज़र जा रही थी। आप देखना है, आप देखिए ज़रा, ये देखिए। मेरी बेटी कह भी रही थी, मम्मी जहाँ हम फ़ोन घुमा रहे हैं वहीं देख रहे हैं कान्हा जी। ये देखिए, मैंने इस साइड करा तो इस साइड देख रहे हैं, फिर मैंने इस साइड करा, ये देखिए, तो इस साइड देख रहे हैं। शायद ये हमारे घर में पहली बार आए हैं इसलिए ऐसे देख रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। शाम को मैं इनका दूसरा मुकुट भी लेके आई थी, मैंने फिर इनको मंदिर में बिठा दिया। और गाइस मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इनका झूला नहीं लेके आई थी। पड़ोस में लड़की है हमारे, जिन जो बच्चों को पढ़ाती है, वो लेकर आई थी वो, और सस्ता और अच्छा लेके आई थी, तो मैंने उसी में झुलाया था, उसी के झूले में झुलाया था। तो चलिए हो गई अब शाम, ये देखिए शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा एक आध क्लिप बना लेते हैं कान्हा जी के साथ। कान्हा जी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ मैं हूँ ये नहा कर, अभी मैंने पूजा नहीं की है गाइस। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना कान्हा जी के ऊपर, धूप का धुआं जाता हुआ।
मैंने थोड़ी देर प्रार्थना करी और यहाँ देखिए, यहाँ हम आ गए हैं सामने वाले घर में। ट्यूशन पढ़ाती है ना लड़की, अर्चना नाम है उसका, बहुत अच्छी है। तो ये बच्चे बने हुए हैं राधा और कृष्ण। राधा थोड़ी अपनी ज्वेलरी पहन के नहीं आई थी, कोई बात नहीं, मगर राधा बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों बेचारे बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे। ये इनका नाम, वैसे भी जो खाना बनाना लड़का, इसका नाम लड्डू है, लड्डू नाम है, और इस लड़की का नाम है, प्यारी सी बच्ची का नाम है शनाया। यहाँ लग गई है हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख, क्योंकि सुबह से इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। तैयार कर रही थी, इनकी मम्मी का भी फास्ट था। ये आ गई है मैं इनके घर में। ये देखिए अपनी मम्मी के फोन में झांकते हुए लड्डू, इनकी मम्मी इनको प्यार से लड्डू बुलाती है। हम तो बड़े जोर से अभी ये भी बनेगा, अभी ये भी खाना बनेगा भाई, छोटा छोटा सा। बोलो क्या बोल रहे हो? सारे बच्चे खाना बनेंगे। सारे बच्चे क्या? अच्छा, आज सारी लड़कियां खाना बनेंगी। ओ भाई साहब क्या बात है, और सारे लड़के खाना बनेंगे और सारी लड़कियां राधा बनेगी है। मम्मी से बोलो मम्मी भी बनेगी राधा। मम्मी बोलो, अब बोल मम्मी, वो बोलेगी राधा, ठीक है? मम्मी नहीं बनेगी राधा, ये हमारे लड्डू गोपाल की मम्मी। देखो गाइस, और यहाँ शनाया कर रही है डांस। ये देखिए यह म्यूजिक था तो मैंने म्यूजिक नहीं दिया, और ये डर भी रही थी, इसकी हैवी हैवी ड्रेस थी बहुत, तो शनाया ने डांस नहीं किया। मैंने बोला शनाया डांस करो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, मगर बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची। और यहाँ देखिए मेरी आ गई बेटी। कर रहे थे बच्चे डांस, तो कॉपीराइट आ जाता है, थोड़ा सा भी म्यूजिक की आवाज़ आए तो। मैंने यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग कर भी, बच्चे कर रहे थे डबल बच्चे डीजे भी, तो मेरी बेटी भी देखो टी शर्ट वाली, यहाँ मैं आ गई। तो बच्चे कह रहे थे आप भी नाचो, बच्चों के गीत थे कि मैं भी नाचूँ, मगर मुझे अकेले नाचना अच्छा नहीं लगता, कोई होना चाहिए साथ में। बेटी गई मम्मी नाचो, मैं आपकी यहाँ नाच रही हूँ, यहाँ डांस कर रही हूँ मैं। कौन सा गाना है? देखे गब्बर साहब ने देखा मैं सीता लाई, मेरा के मेरा के गब्बर साहब ने ना पन्ना सीता लाई, खड़ी करे कभी मने दिखा वे कर दी दिखी लुगाई वाला गाना है। मैं एक टाइम में बहुत डांस करती थी गाइस, मगर अब मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, ये गई कभी को डांस करते करते हाथ हो जाता है। यहाँ देखिए माँ बेटी की जोड़ी ये ठुमके लगते हुए ठुमके लग रहे हैं, वो कहते दोनों नाच रहे हैं। बेटी मुझे देख देख के डांस कर रही थी, मगर मैं डांस कर तो लिया, मगर रात को मेरे को हाथ पैरों में दर्द हुआ था। मैं सबको उल्टी आ जाऊँगा थोड़ा सा कर दूंगा। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की मम्मी जो बने थे, उनके बच्चे कहाँ भी बने थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता, ये देखो ये कैसे ऐसे ही कूद रही थी तेरी, आपको नहीं कर दी। मैंने कहा चलो भाई हम ही कर लेते हैं, कोई नहीं, कहते ना जिसको
को जो आता है वो करता ही है, वो डांस आता है तो मैं डांस कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी आता है उसकी बाजी में, मगर मैं म्यूजिक नहीं दे सकती है। मैं बैठ गई, मैंने कहा भैया मेरे को तो बिठाओ, मैं पानी पिया। फिर आ गए हम दोबारा अपना मंदिर में, लड्डू गोपाल जी को हम लगाएंगे भोग। मैंने बनाई थी खीर लड्डू गोपाल जी की, मैं लाई थी ये पगड़ी, क्या बोलते हैं गाइस मुझे नहीं पता, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। लड्डू जी, लड्डू गोपाल जी को मैंने खीर खिलाई, ये देखिए इनकी दाढ़ी बन गई लड्डू गोपाल जी की दाढ़ी बन गई है। बताओ ना तो ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है, देखते हैं अब ये नए साल में कितने दिन। हेलो गाइस, ये बन गई राधा, देखिए आप और जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि मैं झूला लेके नहीं आई थी लड्डू गोपाल जी का, तो ये मैंने सामने वाली जो लड़की है अर्चना वो लेके आई थी, मैंने उससे ले लिया था। मैंने कहा मुझे लड्डू गोपाल जी को झुलाना है, तो उसने दे दिया था कि लो भाभी आप झुला लो, मैंने तो झुला लिया लड्डू गोपाल जी को, तो मैं अगले साल इनका झूला लेके आऊँगी। गले में पता नहीं क्या खराश से हो गई गाइस, कोई बात नहीं मेरा गला तो मैं तो गर्म पानी करके ठीक कर लूँगी। यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी झूलते हुए ये ऐसे झूल रहे हैं मस्त मलंग होकर। मैंने झुलाया, भूमि ने झुलाया, हम दोनों ने मिलकर झुलाया लड्डू गोपाल जी को। आज मेरा बेटा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होने दे रहा गाइस, ये बार बार आके मेरे को परेशान कर रहा, मम्मी फ़ोन दे दो, फ़ोन से ज़रूरी काम है लड्डू गोपाल जी की वीडियो एडिट करना। ये लड्डू गोपाल जी मस्त मलंग होकर झूल रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं अपने यहाँ का मंदिर आपको, ये देखिए ये हमारे यहाँ का मंदिर है। हमारी कॉलोनी में मतलब एंटर करते ही ये मंदिर पड़ता है। यहाँ रात के 11:30 हो रहे होंगे जबकि ये क्लिप है, तो यहाँ आरती चल रही थी। सॉरी गाइज मैं मटकी की ना वीडियो बनाना मतलब बना ही नहीं पाई मैं, वो हमारे यहाँ पुलिस घूम रही थी लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए सबने मटकी पहले ही फोड़ दी, 11 बजे ही मटकी फोड़ दी और हम लोग गए 11:30 बजे। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कान्हा जी की आरती तो हमने देख ली, सुन ली, प्रसाद भी लिया था। यहाँ देखिए यहाँ आंटी जी बोल रही है कि सब लोग प्रसाद लेके जाना, ये देखिए कान्हा जी हमारे यहाँ के मंदिर के, ये मंदिर के पंडित जी हैं, ये मंदिर है हमारे यहाँ के, ये मैं हूँ, ये अर्चना है, तो गाइस ये मेरी पागल सी बेटी यहीं पर और हम ढूंढ रहे हैं होता देखे लड्डू गोपाल जी की मम्मी को रहे हैं। ये देखिए प्रसाद, वो सॉरी कान्हा जी को, और मैं भी आपको प्रसाद दिखाती हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।